टीम इंडिया के परमानेंट कैप्टन रोहित शर्मा को T20 की कप्तानी मिले हुए साल भर भी अभी नहीं हुए हैं और अब उनसे कप्तानी लेने की बात कही जा रही है। दरअसल ये सवाल उठाया है वीरेंद्र सहवाग ने। जी हां, वीरेंद्र सहवाग ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि रोहित शर्मा को T20 की कप्तानी से हटा देना चाहिए या उनसे T20 कप्तानी ले लेनी चाहिए। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या रहा, क्यों वीरेंद्र सहवाग ये बात कह रहे हैं, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल वीरेंद्र सहवाग ने एक इंटरव्यू के दौरान साफ साफ कहा कि जिस तरीके से वर्कलोड मैनेज करने की बात हो रही है और जो एज है रोहित शर्मा की, उसके लिहाज से अगर वर्कलोड मैनेज करना है बीसीसीआई को, तो वो वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि रोहित शर्मा से T20 कप्तानी ले लेनी चाहिए और उसके अलावा उनके पास एक मौका हो जाएगा रोहित शर्मा के पास में कि वो अपने वर्कलोड को मैनेज कर पाएंगे और टेस्ट और ओडीआई में भारत के लिए लंबे समय तक कप्तानी करके भारतीय टीम को आगे लेकर के जा सकते हैं। ये वीरेंद्र सहवाग का मानना है रोहित शर्मा के T20 कप्तानी को लेकर। लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि लेकिन अगर बीसीसीआई उसी पॉलिसी के साथ आगे जाना चाहती है जिसमें कि भारतीय टीम के तीनों फॉर्मेट कप्तान कोई एक ही होना चाहिए, तो फिर रोहित शर्मा को ही वहां पर रखना चाहिए क्योंकि रोहित शर्मा से बेहतर आपके लिए ऑप्शन बनेगा। यानी कि अगर तीनों फॉर्मेट में बीसीसीआई ही कप्तान रखना चाहती है तो रोहित शर्मा, अगर बीसीसीआई किसी और को माइंड में लेकर चल रही है T20 कप्तानी को लेकर के, तो रोहित शर्मा को T20 की कप्तानी से हटा करके उनकी जगह को टेस्ट और ओडीआई में सीमित रखना चाहिए और ताकि वो अपने वर्कलोड को ध्यान में रख सके। तो अब तो ये आपको ही बताना होगा कि आखिरकार क्या सोच आप भी रखते हैं रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर के। लेकिन एक बात और स्पोर्ट्स टॉक ने भी इससे पहले कही थी अपने शोज के दौरान में कि रोहित शर्मा इस समय टेस्ट मैच और ओडीआई में कप्तानी कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर रहे T20 के भी कप्तान वो जरूर हैं, लेकिन जब दो टीमें एक ही समय पर दो जगहों पर अगर खेल रही हैं तो फिर T20 की कप्तानी जो खिलाड़ी कर रहा होगा वो क्या रोहित शर्मा की सोच से मिलती जुलती टीम बना रहा है, क्या रोहित शर्मा जो चाह रहे हैं अपने प्लानिंग को लेकर के वर्ल्ड कप के हिसाब से क्या उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, यह हमने एक सवाल जरूर उठाया था। लेकिन अब वीरेंद्र सहवाग का जो मामला आया है, जो वीरेंद्र सहवाग ने कहा है, उनकी बातों से आप कितने सहमत हैं आप जरूर कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।